हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ, जैसे कि विंटर्स खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और मैं सारा विंटर्स का सामान अंदर रखने जा रही हूँ और समर्स का निकालूंगी, तो समर्स का कलेक्शन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना रहेगा अपकमिंग वीडियोज़ में। पर जाते जाते सीजन के मैं आपके साथ कुछ विंटर का कलेक्शन शेयर करना चाहती हूँ, जो कि कुछ कोट, स्वेटर्स और जैकेट्स का है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ अपना विंटर कलेक्शन दिखाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड, ये कोट है और रॉयल ब्लू शेड है इसका। कुछ इस तरह से कोट कम जैकेट, जैसा कि कोट में चेन, मतलब कोट कम जैकेट आप इसे कह सकते हैं। इसको आप जीन्स पे वियर कर सकते हैं, सूट्स पे वियर कर सकते हैं, किसी पे भी आप वियर कर सकते हैं। ये कलेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रंट से ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे वाली पॉकेट होगी, बट इसमें साइड पॉकेट्स ही हैं। और अच्छी बात ये है ना कि ये मशीन में आराम से आप वॉश कर सकते हैं, ना इसकी चेन ख़राब होगी, ना इसका फैब्रिक ख़राब होगा। आप इजीली इसको घर में आयरन कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा गर्म आता है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, बहुत ही ईजी हैंड वॉश मटीरियल है। तो दिस इज़ माई फेवरेट कोट अमंग ऑल ऑफ देम। तो दिस इज़ माई फर्स्ट वन, एंड नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ माई जैकेट। दिस इज़ अ पार्टी वेयर जैकेट, आई यूज़ इट इन पार्टीज़ और समवेयर, कभी घूमने जाती हूँ तो यूज़ करती हूँ। शॉर्ट जैकेट है ये सूट्स पे भी अच्छी लगती है और जीन्स टॉप पे भी बहुत अच्छी लगती है। गोल्डन इसकी चेन है, काफ़ी गर्म करती है। प्योर लेदर की जैकेट है ये, ईजिली मैनेजेबल है, बट इसे आप डिप एंड वॉश ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप ड्राई क्लीन करा सकते हैं, इसे आप मशीन में नहीं धो सकते। अच्छी शाइन है इसकी और ये कभी भी ख़राब नहीं होती। मैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम वेयर करती हूँ, और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो मैं ये जैकेट वेयर करती हूँ। इसमें से ये कैप लगी हुई है, ये रिमूवेबल भी है इस तरह से, और टुगेदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से है ये जैकेट, फॉर हैवी विंटर्स के लिए है ये बेसिकली। ये स्वेटर है फेदरी, आप इसे कार्डिगन भी कह सकते हैं। हर तरह की कैटेगरी फ्रेंड होनी चाहिए। देन ये एक कोट है, कैमल शेड है इसका, जिप पैटर्न है, काही कलर का है ये अदर। सभी विंटर वियर्स को मैं इस तरीके की पॉलिथिन में रखती हूँ, तो इनकी जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो जिस तरह से है ये, मटमैला सा कलर है बट कभी भी गंदा भी नहीं होता, और अगर होता है तो इजीली वॉश हो जाता है, और अगर कई बार आप इसे पहन के तब वॉश करना चाहें तो इसमें उसका डर्टीनेस भी पता नहीं चलता, ऐसा शेड है। तो हर तरीके का शेड मैंने आपको दिखाया, हर तरह का शेड ही आपके कलेक्शन में होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको अपना कलेक्शन दिखा रही हूँ किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, चाहे ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हो, साड़ीज़ हो, विंटर वियर्स हो, कोट्स हो, कुछ भी हो, मेरा दिखाने का बस एक ही पर्पज़ है कि आप लो बजट में अच्छी शॉपिंग करें और अपना अच्छा कलेक्शन बनाएं। एक कलर, एक डिज़ाइन, एक पैटर्न को रिपीट ना करें। उससे क्या होता है कि आपको लगेगा कि आपके पास कुछ है नहीं, आप बार बार कुछ नया खरीदना चाहेंगे, वेराइटी नहीं मिलेगी आपको, वही चीज़ आप रिपीट करेंगे, आपके मन को भी एक हैप्पी फील नहीं होगा और आपके कलेक्शन में भी कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, कुछ यूनिक नहीं दिखेगा। ऑलवेज ट्राई टू बाय एंड परचेज दोज टाइप ऑफ प्रिंट शेड्स एंड फैब्रिक्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम योर ऑलरेडी व्हाट कलेक्शन यू आर हैविंग विद देम, और यूनिक कलेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छा कलेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, कलेक्शन कुछ वेराइटी रखिए, और जो भी चीज़ लीजिए वो बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, बजट फ्रेंडली होनी चाहिए, ईजी टू वॉश होनी चाहिए, ईजी टू कैरी होनी चाहिए, एंड ऑल इन ऑल कम्फर्टेबल होनी चाहिए। बस यही मोटो है मेरे वीडियोस बनाने का। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरे कलेक्शन में से कौन सा कलेक्शन ज़्यादा पसंद आया, या कुछ अलग ऐसा टॉपिक जिस पर आप मेरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये बताना बिल्कुल ना भूलें। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी सब कुछ आप लोगों के लिए प्रेजेंट करने के लिए, और ऑल इन ऑल मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं टिप्स और ट्रिक्स देती हूँ उन्हें प्लीज़ एक बार फॉलो करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील लगेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।